चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2017 से 2017 का ओल्ड पेपर हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 2017 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुई थी वो सारे ओल्ड पेपर हम सोल्व करेंगे अभी 10 दिन में, PNST GNST का, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। 2017 से 2024 तक के सारे ओल्ड पेपर हम एक एक क्वेश्चन से करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बायोलॉजी भी करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री और जूलॉजी सब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आपका बायोलॉजी से। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुण सूत्र किससे संबंधित है, श्वसन, प्रजनन, अनुवांशिक या पाचन। तो आप सभी को पता है कि गुण सूत्र जो हैं वो संबंधित हैं सी वाले से, आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण से। क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, इस घटना को आनुवंशिकता कहते हैं, इस लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे विकार किस स्थान पर रहते हैं। क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे विकार किस स्थान पर रहते हैं बताइए। तो क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे विकार जो होते हैं वो माइटोकांड्रिया द्रव्य, माइटोकांड्रिया द्रव्य। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरे नंबर का, पाइनस का भ्रूण जो होगा वो कैसा होगा, पाइनस का भ्रूण जो होगा वो कैसा होगा बताइए। जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी क्लास में जुड़ना है डेली वाली। वेरी वेरी गुड। पाइनस, देखो ओल्ड क्वेश्चन करने से हमको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पाइनस का भ्रूण कैसा होगा, तो वो होगा हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का बना होगा। पाइनस का भ्रूण जो होता है ऑप्शन ए वाला आ जाए, पाइनस का भ्रूण अगुणित होता है लेकिन बहुभ्रूणता इसमें पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये रहा, RH विहेक्टर के वर्गीकरण में, RH विहेक्टर के वर्गीकरण में जीवाणु को कौन सा स्थान दिया गया है, विहेक्टर के वर्गीकरण में जीवाणु को कौन सा स्थान दिया गया है। वेरी वेरी गुड, वो है बी वाला, मोनेरा। RH विहेक्टर 1969 ने, RH विहेक्टर ने 1969 में संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया था, जीवाणु को तथा अन्य प्रोकैरियोटिक्स को मोनेरा समूह में रखते हैं। रोटी के लिए उपयोग किया जाने वाला गेहूं का वैज्ञानिक नाम, मैंने आपको कहा था ना कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम 2017 में इस तरह से क्वेश्चन आया था। गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिट्रिकम एसिटवम। क्या हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो टिट्रिकम एसिटवम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। रोटी के लिए उपयोग किया जाने वाला गेहूं का नाम टिट्रिकम एसिटवम होता है, जो राई के व गेहूं के संकरण से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं, बोल्फिया सबसे सूक्ष्म, सॉरी विश्व का सबसे छोटा पुष्प पूछा है ना, सबसे बड़ा नहीं पूछा। चलिए तो ये लीजिए आपके सामने, विश्व का वोल्फिया, वोल्फिया सबसे सूक्ष्म आवृत बीज है एवं इसी का पुष्प सबसे छोटा 0.1 mm होता है, जबकि सबसे बड़ा पुष्प रेफेलिया का होता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। आपका इसमें जो सही जवाब होगा ना, विश्व का सबसे छोटा पुष्प जो है वो आपका वोल्फिया ही होगा, वोल्फिया। और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर पूछे तो वो आ जाएगा रेफ्लेशिया। तो इसमें से कोई नहीं, सबसे छोटा पुष्प आपका बी वाला आएगा, डी वाला नहीं आएगा, इसमें छोटा है। अगर बड़ा पूछता तो आप बताते इसमें से कोई नहीं। तो आपका सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया और सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन है, अदरक जो होता है वो क्या होता है, अदरक जो होता है वो क्या होता है, अदरक जो होता है वो क्या होता है, पुष्प, कली, रूपांतरित जड़ या इनमें से कोई नहीं। अदरक जो होता है वो क्या होता है, तो अदरक जो होता है एक रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, अदरक क्या होता है आपका, एक रूपांतरित तना होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राइजोम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। तो अदरक क्या होता है, अदरक आपका रूपांतरित तना, इसमें है कलियां नहीं है, रूपांतरित जड़ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सी फोर चक्र को क्या कहा जाता है, सी फोर चक्र को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी गुड,
ये लो इसके सामने इसकी पूरी डिटेल। C4 चक्र को हम कहते हैं हेज-एम-स्लेक पाथवे। क्या कहते हैं? C4 चक्र को क्या कहते हैं? हेज-एम-स्लेक पाथवे कहते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला। C4 चक्र की खोज गन्ने में हुई थी। किस में हुई थी? C4 अगर आपसे पूछे कि C4 चक्र की खोज किस में हुई थी, तो C4 चक्र की खोज हुई थी गन्ने में, और इसका श्रेय जो है हेज-एम-स्लेक नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्हीं के नाम पर इसे हेज-एम-स्लेक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इनका नाम खोज भी इन्होंने की थी हेज-एम-स्लेक ने, और C4 चक्र किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण, इसकी खोज कहाँ से हुई थी? गन्ने से हुई थी। चलिए, पीला हरा वर्ण किस में पाया जाएगा? पीला हरा वर्ण किस में पाया जाएगा? पीला हरा वर्ण किस में पाया जाएगा? जेंथोफाइट में। पीला हरा वर्णक जो है आपके जेंथोफाइटा में पाया जाएगा। शैवालों का एक वर्ग जेंथोफाइटा है। इसका भोजन फ्यूकोजेंथियस प्रकार का होता है। इसे पीला हरा वर्णक पाया जाएगा। सबसे पहले संश्लेषित कार्बनिक रसायन कौन सा है? सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन कौन सा है? दसवें नंबर का। सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन कौन सा है? वेरी वेरी गुड, यूरिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन जो है वो आपका यूरिया हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक रसायन संश्लेषण किया गया। इसे N2 46% होती है। यह किसानों में सबसे लोकप्रिय उर्वरक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। पादप का कौन सा भाग SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है? बताइए। पादप का कौन सा भाग SO2 प्रदूषण को प्रभावित करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे अधिक, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सबसे अधिक SO2 के प्रति संवेदनशील होता है, और अन्य पादप के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इससे अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए, चेर्नोबिल घटना किस वर्ष हुई थी? वेरी IMP क्वेश्चन। कौन सी घटना? चेर्नोबिल घटना किस वर्ष हुई थी? बी वाला, 26 अप्रैल 1986। रूस के चेर्नोबिल शहर में परमाणु विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कौन सा शैवालों का एक समूह है? शैवालों का एक समूह कौन सा हो जाएगा? शैवालों का एक समूह वोल्वोक्स एस्पर्गायरा और क्लेमाइडोमोनास। वोल्वोक्स एस्पर्गायरा और क्लेमाइडोमोनास। क्लोरोफाइसी वर्ग में आएंगे। एक चिरप रचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी कौन सा है? एक चिरप रचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी जो है बेसिलस थुरीजेनेसिस। कौन सा है? बेसिलस थुरीजेनेसिस एक महत्वपूर्ण कीटनाशी है। इसमें सल्फर की मात्रा सबसे अधिक होगी। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है? अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा हो जाएगा? SO2 और NO2 का प्रदूषण। SO2 और NO2 का प्रदूषण। SO2 और NO2 का प्रदूषण। SO2 NO2 प्लस H2O इजिकल टू H2SO4 बटा HNO3। वायुमंडल में उपस्थित ये प्रदूषक जल के साथ क्रिया करके अम्ल के रूप में बारिश करते हैं, और इन्हें जीवित और अजीवित वस्तुओं जैसे ताजमहल आदि को भी खतरा। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड जो होता है साइकस का होता है। साइकस का होता है किसका होता है? साइकस। साइकस होता है अनावृत्ती बीजी का एक सदस्य है। इसका बीजांड पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। इसमें तने में साबुदाने का निर्माण भी होता है। राइबुलोस बायोफास्फेट कार्बोक्सिलिक एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। राइबुलोस बायोफास्फेट कार्बोक्सिलिक एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। कौन सी अभिक्रिया को? बताइए। CO2 तथा राइबुलस 1 5 बायोफास्फेट के मध्य। ऑप्शन आपका बी वाला। पंखदार बीज किस में पाए जाएंगे? पंखदार बीज किस में पाए जाएंगे?
तो पंखदार बीज जो हैं वो आपके पाइनस में पाए जाएंगे। किसमें? पंखदार बीज आपके पाइनस में पाए जाएंगे। पाइनस में पंखदार बीज पाए जाते हैं जो वायु द्वारा आसानी से विकिरित हो सके। अनुवांशिक पुनर्गठन होता है, अनुवांशिक पुनर्गठन, ये आज मैंने आपको 18 क्वेश्चन कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपके PNST की बुक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो घर बैठे बुक मंगवा सकते हैं PNST और ANM की, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कितने नंबर आए ये भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।